अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अजीम फ्राम नूर बाफ इंजीनियरिंग। मिक्सर रेडी है जी 40 केली कैपेसिटी का। इसमें 40 किलो मिक्स होगा साबुन, क्योंकि साबुन के सेटअप के साथ जा रहा है मुकम्मल। चाचा को जैसे तोड़ देना। तो अब इसमें आए आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। ये स्टील का बना हुआ मिक्सर है, ड्रम और ड्रम के अंदर तमाम चीज़ें स्टील की हैं, ढक्कन स्टील का, एग्जॉस्ट स्टील का, और ये खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर शाफ्ट स्टील की स्पोर्टिंग सर, ये स्टील के स्पायरल स्टील के बोर्ड स्टील के सब कुछ स्टील का है, लोहे का इसमें कुछ भी नहीं लगाते सिवाय ये फ्रेम के। फ्रेम जो है ये लोहे का है जिसके ऊपर ये मिक्सर खड़ा हुआ है। ये मोटर है 400 वाट की सिंगल फेज, ये सिंगल फेज पे चलेगी, बहुत अच्छी मोटर है, लोड अच्छा उठाती है, काम अच्छा करती है। और हमने इसमें कितना डाला हुआ है अफान, हमने इसमें 53 किलो मटेरियल डाला हुआ है। अब 53 किलो मटेरियल डाल के हम इसको चलाएंगे और ये मोटर सपोर्ट करेगी। अफान चला दें, ये शुरू हो गया चलना। ये मिक्सर चल रहा है, खामोशी से चलते हैं ये, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई मसला नहीं होता। वो पहले होता था, गरारी लगी होती थी, फिर उसके बाद एक पुली लगी होती थी, पुली के बाद दूसरी पुली लगी होती थी, फिर काउंटर पुली लगी होती थी, और फिर काउंटर के बाद वहाँ पे मोटर चलती थी और मोटर मिक्सर को घुमाती थी। अब वो चक्कर नहीं है, ये गियर मोटर से बेहतरीन है, वो बहुत पुराना काम हो गया वो वाला, गरारियों वाला और पुलियों वाला, अब ये बेहतरीन है। खामोशी से चलती है, शोर शराबा नहीं होता, लोड भी अच्छा उठाती है, बिजली भी कम लेती है। ये है मिक्सर, इसके साथ पूरा सेटअप है, वो अभी जाएगा, मैं एंड पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, नूर बाग इंजीनियरिंग हम जो बनाते हैं अच्छा बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे दिल से बनाते हैं, वो इसलिए अच्छा होता है। हम क्लाइंट के साथ पूरे इखलास के साथ चलते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट को बेहतरीन चीज़ दें। उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनको उसके वर्थ के मुताबिक चीज़ भी मिलनी चाहिए और बेहतरीन मिलनी चाहिए। ये है जी 40 किलो मिक्सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मुकम्मल सेटअप इसका, बकाया रखते रखते रख, ये बकाया सेटअप भी दिखाता हूँ आपको। ये 5 इंच का प्लॉटर है, उस मिक्सर के साथ ही है, यानी पहला मिक्सर है, उसके बाद फिर 5 इंच का प्लॉटर है। इसको हमने पेंट किया, पहले हमने ब्लू पेंट किया था, फिर हमें क्लाइंट की फरमाइश पे हमने इसको ग्रीन पेंट कर दिया, और उसमें ग्राफिटी में पेंट कर दिया, और बड़ा अच्छा खूबसूरत पेंट हुआ। अच्छा ये हम इसके अंदर सामान रखेंगे इसका, ये हमने इसकी जो आगे वाली टेबल है ये रख दी है, ये इसका डंडा है जिससे हमने बार डाई को खोलना और बंद करना होता है, ये उसके आगे वाला कप है। फिर मैं मज़ीद दिखाता हूँ प्लॉटर में, प्लॉटर में हम ये पूरा बॉक्स बना के देते हैं, यानी कि इसमें ये हम एक बॉक्स बना रहे हैं जिसके अंदर इनका सामान होगा। इसमें सबसे पहले इनका इन्वर्टर होगा, इसमें हीटर होगा, इसमें ये एलकी होगी, ये पंच मशीन के लिए है, ये प्लॉटर के लिए, ये जो मूस है ये प्लॉटर के लिए, मूस हैंडल प्लॉटर के लिए, वो मैं आपको किसी दिन फिर दिन बताऊंगा कि किस मकसद के लिए देते हैं। ये एक चाबी देते हैं, ये जाली है, और मच्छर जाली पहुंच गई है, वो भी आ जाएगी अभी। अच्छा जाली और पंप, मच्छर जाली और पंप रह गया, वो भी है इसके साथ। अच्छा ये इस पंच है, सेमी ऑटो पंच, ये नूर बाफ इंजीनियरिंग की ही बनाई हुई पंच है, पहली दफ़ा हमने बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रही है। तो ये है जनाब मुकम्मल सेटअप, और ये जा रहा है सियालकोट, ये आज रवाना हो जाएगा, और दो कल या परसों इंशाल्लाह ये सियालकोट पहुंच जाएगा। आपको भी साबुन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मशीनें चाहिए हो, तो आप नूर बाफ इंजीनियरिंग से रब्ता कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक खानेवाल में है और दूसरी ब्रांच हमारी लाहौर में है।